हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं रन आउट विद रिचा एंड राजीव। राजीव, ऐसा लगता है कि विराट कोहली जो भी डिसीजन ले रहे हैं आजकल बिल्कुल सही जा रहा है। उन्होंने पांच बॉलर्स खिलाए, पांच बॉलर्स में से आपके दो फास्ट बॉलर्स ने विकेट निकाली, तो ऐसा लग रहा है कि जो डिसीजन विराट कोहली सोच रहे हैं वो कितना भी क्वेश्चनेबल हो अल्टीमेटली वो करेक्ट ही होता है। और अभी देखा ना आपने मैच में, उन्होंने रविंद्र जडेजा को बताया कि कहां पे बॉल डालो, कैसे घूमेगी, वो डिसीजन भी मैं कह रही हूं बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। बिल्कुल होएगा भी, क्योंकि देखिए डे 3 ऑनवर्ड्स बॉल यहां पे टर्न करेगा। ये तमाम जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे, जो पांडुरंग वहां के पिच क्रिकेटर है, उन्होंने भी इशारों में कहा कि एक स्पोर्टिंग विकेट है लेकिन तीसरे दिन से बॉल टर्न करेगा। और आज मैंने देखा डीन एल्गर जो उनके पार्ट टाइम स्पिनर है, जो ओपन करते हैं, उनका कुछ बॉल स्क्वायर टर्न हुआ, मतलब सामने से पड़ के बॉल बाहर गया। फिर केशव महाराज का कुछ बॉल विकेट के अंदर से घुमा, और जब विकेट की लाइन से बॉल टर्न करता है रिचा, तो बहुत इजी नहीं होता बैट्समैन के लिए खेलना। विराट कोहली 200 बनाने के बाद भी बीट हो रहे थे, क्योंकि बॉल अगर आपके सामने से घूमता है तो दिक्कत होती है। और तीसरे दिन की अगर हम बात करें, तीसरे दिन जो पहला सेशन है थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, हमने दोनों दिन देखा फास्ट बॉलर्स को अच्छी मदद मिलती है, तो विराट ने बैटिंग ही नीचे कर दी टेस्ट मैच के दूसरे दिन की, किसी के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं बचे थे। कुछ एजेस भी निकले, हमने देखा पहले दिन रबाडा की बॉल पे जो नौके उनकी बॉल पे भी एजेस निकले, बट वो कैरी नहीं कर रहे थे, तो साउथ अफ्रीका की अपनी प्रॉब्लम थी। लेकिन टेस्ट मैच के तीसरे दिन की अगर इच्छा बात करें, सिर्फ और सिर्फ इंडियन बॉलर्स की चर्चा होने वाली, क्योंकि दो विकेट उमेश यादव ने निकाल दिए, एक शमी ने निकाल दिए, यानी 7 विकेट जीता है, और उसके बाद 17 कदम हम दूर हैं एक और टेस्ट मैच जीतने से, और विराट कोहली एक और हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पहला सेशन हम किस तरह, और उससे भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है बॉलिंग से ज्यादा रिचा की फील्डिंग आप किस तरह की लगाते हैं। बहुत अच्छी फील्ड प्लेसमेंट आज मैंने देखी जो विराट ने करी थी, 3 स्लिप करी और अटैकिंग कैप्टेंसी कर रहे थे, यानी 600 रन अगर आपके पास स्कोरबोर्ड पे है तो फिर आप एज अ कैप्टन आपको पीछे नहीं जाना चाहिए। तो आज विराट कोहली वाइजर से बिल्कुल अलग दिखे, मुझे लग रहा है या राजकुमार जी से उन्होंने बात की है या कुछ और जो क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि थोड़ी डिफेंसिव कैप्टेंसी कर रहे थे वाइजिंग में, वो बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी, बट यहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत शानदार कप्तानी उन्होंने जो लास्ट सेशन है उसमें किए, पहले बोर्ड फैसला और उसके बाद यार अब तीसरा दिन सेट है ऑलमोस्ट पूरी तरह से। बिल्कुल राजीव, आपको क्या लगता है ये पिच 2017 के जैसे अब टर्न कर रही है, वो फिर जैसा कोई चमत्कार करते हैं, साउथ अफ्रीका ने 400 रन बना दिए बैटिंग करके, और 3 विकेट वहां भी गिरे थे आपको याद होगा, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे दूसरे दिन 3 विकेट उनके गिरे थे, चार दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। अब इस बार क्यों ज्यादा चांसेस है, क्योंकि वहां पे तब डीन एल्गर बचे हुए थे जो चिपक के खेलते हैं, थोड़ा आउट हो चुके हैं, मैक्रम जो उनके बैट्समैन है वो आउट हो चुके हैं, तो उनके पास कुछ बहुत ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं है रिचा। और जब भी आप किसी भी टेस्ट मैच के डे 1 डे 2 डे 3 की बात करें, जो पहला सेशन होता है अभी पैर नहीं चलते हैं, और जब आप आते हैं थोड़ा सा शेकी होते हैं, और उसका जिस तरह से उमेश यादव का बॉल स्विंग कर रहा था, जिस तरह की सीम पोजिशन पे उमेश और सभी गेंदबाजी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि दक्षिण अफ्रीका बहुत ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा। एक बैट्समैन बचा हुआ उनके पास, फाडू प्लेसिस और क्विंटन डिकॉक जो स्ट्रोक ले रहे हैं, अगर वो वाइजर जैसा दिन रहा तो बड़ी पारी खेलेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा क्रीज पे टिकने वाले बैट्समैन अब है नहीं साउथ अफ्रीका के पास। राजीव, अगर हम इस बारे में बात करें जो पांच बोलर्स विराट कोहली ने सिलेक्ट करे हैं, मैं बताना चाहूंगी हमारे सारे दर्शकों को, राजीव कह रहे थे कि वो ऐसा एक सिनेरियो हो सकता है, ये हमारे पूरा का स्टार्ट होने से पहले आपने बिल्कुल कहा था कि और कितना बुरा लगेगा, क्योंकि वो आपने वेस्ट इंडीज में देखा था, तो मतलब कंडीशंस के अकॉर्डिंग विराट इतनी अच्छी तरीके से अडैप्ट कर रहे हैं एज अ कैप्टन, और वो डिसीजंस ले रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट ले रहे हैं। राजीव, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कह रही है, और देखिए पिच को पढ़ना ही कैप्टन का काम होता है। हाँ जी। और कैप्टन का काम ये भी होता है कि ऐसी पिचेस पे आप टॉस जीते हैं, आप देखिए वाइजैक को टॉस जीते, बैटिंग के हमने मैच जीता, या हमने टॉस जीता, या 600 बनाए वो 500 बनाए थे, तो जो स्कोरबोर्ड पे रन चाहिए बॉलर्स को वो आप लगा के दे रहे हैं, बॉलर्स का आधा काम आप आसान कर दे रहे हैं, क्योंकि प्रेशर सीधा आपके ओपोजिशन पे, यार वो बार बार स्कोरबोर्ड पे दिख रहा है कभी भी 600 रन आपको बनाने बराबर जाने के लिए, उसके बाद आपको लीड चाहिए फिर सेकंड इनिंग्स अगर इंडिया को बैटिंग करानी है, तो बहुत मुश्किल लग रहा है। और जो आप बात कर रही थी पांच बॉलर्स की, बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अगर आपके पास अवेलेबल है पांच गेंदबाजों के साथ जाने की हिम्मत है आपके पास, तो आप बिल्कुल जाइए, क्योंकि अटैकिंग हमेशा अटैक करते हैं बैट्समैन को, आप डिफेंस में नहीं जाते, आपके दो बॉलर एक रैंडमली बॉल डाल रहे होते हैं, आपके पास चेंज करके एक फास्ट बॉलर आ जाता है, फिर दो स्पिनर आपके पास बैठे हैं, यानी ऑप्शन आपके पास होता है, और मैदान पे जब ऑप्शंस हो, जितनी बड़ी टीमों ने डोमिनेट किया अगर आप देखेंगे, तो ज्यादातर के पास या तो चारों अटैकिंग बॉलर थे या तो पांच बॉलर के साथ खेले हैं,
आप याद करें वेस्ट इंडीज ने जब डोमिनेट किया तो चार ऐसे फास्ट बॉलर होते थे उनके, तो सांस लेना मुश्किल कर देते थे, एक गया और वो 80 ओवर में कैसी भी विकेट वो ध्यान नहीं देते थे। ऑस्ट्रेलिया को आप याद करें, शेन वॉन, मैकग्रा, कास्परोविच, गिलेस्पी, ये उनकी क्वालिटी हुआ करती थी। तो हर टीम का जो एरा रहा है वो उनके गेंदबाजों की वजह से रहा है। हमारी टीम का भी जो एरा बन रहा है अगर आप देखें 2018 से, तो हमारे गेंदबाज बना रहे हैं, बैट्समैन तो बैट्समैन उतना नहीं कर रहे हैं, गेंदबाज उस एरा को बना रहे हैं। यानी आप सीमिंग कंडीशन है तो हमारे फास्ट बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं। आज पुणे में हल्की सी मदद थी, अगर आप लास्ट सेशन में देखें 3 विकेट हम निकाल के ले गए। हम स्पिन की बात कर रहे हैं, वाइजेक में याद करें शमी 5 विकेट, फास्ट बॉलर हमारे एक ऐसी पिच पे जहां किसी ने सोचा नहीं था। अब फिर पुणे की पिच की बात करें, सब कह रहे हैं बॉल टर्न करेगा, अचानक 3 जो विकेट गिरे हैं, जब स्कोर कार्ड पे देखते हो हमारे फास्ट बॉलर, ये दिखाता है कि हम किस क्वालिटी फास्ट बॉलिंग या किस क्वालिटी बॉलिंग डिपार्टमेंट के साथ उतरते हैं मैदान पर। बिल्कुल राजीव, और ये जो पूरी क्वालिटी पुट टुगेदर कर रहे हैं विराट कोहली की अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पोर्ट एंड बीइंग द कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वो उस चीज को निभा रहे हैं और कर रहे हैं। और तभी आपके हिसाब से स्ट्रेटजी क्या होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट? देखिए तीसरे दिन का जो पहला सेशन है, मुझे लग रहा है ऑल आउट जाएंगे हमारे फास्ट बॉलर्स, क्योंकि उनको पता है 5-5 ओवर का स्पिन मिलेगा। हाँ, उसके बाद अगर विकेट नहीं गिरती है देन हमारे स्पिनर्स का रोल आ जाएगा वहां पे, किस तरह से हम गेंद डालें। बड़ा जो सबसे अच्छी बात नजर आ रही है इंडियन बॉलिंग अटैक ओवरऑल अगर आप देखें, कि जो पिच के हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर ले रहे हैं, अपनी लेंथ को चेंज कर रहे हैं, अपनी लाइन को चेंज कर रहे हैं। आज आप उमेश यादव की अगर लाइन देखें, कितनी अच्छी लाइन पे वो बॉल डाल रहे थे, ईशांत शर्मा एक्यूरेट रहते हैं हमेशा, मोहम्मद शमी बहुत अटैकिंग बॉलर है, फिर अभी अश्विन और जडेजा को बॉल डालना है और इस विकेट पे बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। विराट कोहली जिस तरह से बोला कि जट्टू यहाँ बॉल डालियो घूमेगा, तो वो जब वो वहां पर्टिकुलर जो एक क्रैक है गावस्कर ने भी दिखाया था, जो बहुत वो विकेट की लाइन में क्रैक है, और जब विकेट की लाइन में क्रैक होता है वहां पे जब सीम हिट करता है ऋषभ, पता नहीं होता कि किस बाउंस के साथ आपका जाएगा और कितना टर्न होने वाला है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जब इस तरह की पिचेस होती है, जब बहुत सीम पे गिरे खासतौर से, आपका ये शाइनिंग पार्ट गिरेगा तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगी, स्किड करेगा बॉल, लेकिन जैसे ही आप इस पे लैंड कराएगा स्पिनर को देन वो डिविएशन मिलता है। एक तो आप हवा में आप स्पिन करा, फिर पिच से जो डिविएट होता बॉल वो बहुत डेंजरस होगा। तो थर्ड दिन तीसरे दिन जो टेस्ट मैच में मुझे अगर यही प्रायोरिटी होगी विकेट टू विकेट बॉलिंग और जितनी अटैकिंग फील्ड आप लगा सके अटैकिंग फील्ड के साथ जाए। बिल्कुल, तो वही देखेंगे और होप करेंगे कि जैसे हम पहले वैसाख में होप कर रहे थे वैसे पूना में हो जाए, 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म, तो फिर तो क्या बात है, वो तो एंजॉयमेंट हो गया डबल ओनली। बट मोर और लेस आगे लग तो रहा है इंडिया बिल्कुल ही सेफ पोजिशन में है अब के लिए, तो आगे देखते हैं कि डे 3 कैसे निकलता है टेस्ट मैच के लिए।